नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली दोस्तों हम लोग लेकर के आ चुके हैं अपने पोको एक्स थ्री प्रो के लिए यहाँ पर। और कुछ स्टिकर्स लगा दिए मैंने इसमें मेरे नए लैपटॉप के। आपने लैपटॉप वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा, जाके देख लीजिएगा। और उसके अंदर मैंने बताया, मतलब मेरे स्टोरी टाइम एक तरीके से आप कह सकते हो, कि मैंने कैसे जो है लैपटॉप को बाय किया था। गंदा हो रहा है वैसे ये, और मैंने इस पर ऐसे ही लगा दिया स्टिकर, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा अच्छा परी टाइप तो नहीं लग रहा यार, चलो कोई नहीं, बढ़िया है जो भी। तो फाइनली जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग के अंदर और चलते हैं यहाँ पर अबाउट के अंदर। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। और ये है भैया हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लाइट हाउस जो भी आप कह लीजिए इसको। ये रोम इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड 11 के साथ ये जो रोम है यहाँ पर निकलता है। August 5 के आपको सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं। अनऑफिशियल बिल्ड है फिलहाल, इसका एक ऑफिशियल बिल्ड आया था जो कि आप कह सकते हो कस्टम वेंडर के ऊपर बेस था, आई गेस जहाँ तक मुझे याद है। अब ये MIUI वेंडर पे बेस है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी हो जाती है, तो परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे किस तरीके से इस रोम की हमें मिलती है। अगर आपने मेरे गेमिंग वाले वीडियोस नहीं देखे, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो है गेमिंग की लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ दो, एक 60 FPS में, एक 90 FPS में, दोनों कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं दोनों ही वाली। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर जो सब्सक्राइब का रेट है वो फिर से गिरने लगा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं व्यूज़ के हिसाब से, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो रोज़ देखते हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, किया करो, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो जो कर्नल इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है वो है चार्डिया कर्नल या चड्डी कर्नल है, जो भी कर्नल है, ठीक है, पढ़ लो इसे। और इस तरीके से दोस्तों ये देखने को हमको मिलता है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया कर्नल है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है ये। तो इसके अंदर हमको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर गो कैमरा देखने को मिल जाता है गूगल की तरफ से। और यहाँ पर CPU थ्रॉटल टेस्ट हमने कर लिया है, गिग बेंच और Antutu इस बार नहीं मैंने इंक्लूड किया हुआ है, बस ऐसे ही मन नहीं था तो नहीं किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे स्टॉक रोम के ऊपर वीडियो बनाओ, EU के ऊपर वीडियो बनाओ, जिन्हें अपडेट आया है। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो, अगर सच में चाहिए यार, वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा उसको बनाने में, अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, या जिस भी रोम के ऊपर नेक्स्ट चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दो। जिसके ऊपर भी मेजर जो कमेंट आएगा हम उसको नेक्स्ट यहाँ पर कंसिडर करेंगे। मैंने इसको रूट करा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 90 FPS गेम प्ले करने के लिए रूट इसको किया था मैंने। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। बात करें इसके बैटरी की तो काफ़ी ठीक ठाक डिसेंट से बैटरी बैकअप हमको देखने को मिलता है। सेटिंग्स की हम लोग यहाँ पर फटाफट से बातें कर लेते हैं कि क्या कुछ सेटिंग्स इसके अंदर आपको बेसिकली देखने को मिलती है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें सेम है, बैटरी के अंदर चलता है डायरेक्टली, अभी जस्ट चार्ज किया और इसके अंदर आपको मिल जाता है थर्मल प्रोफाइल्स का ऑप्शन। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी, गेमिंग थर्मल में मैंने इसको रखा था पहले, ठीक है, बेंचमार्क में रखा था, सॉरी बेंचमार्क में रखा था, इतना अच्छा स्कोर और इतना ज़्यादा मुझे सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने गेमिंग के अंदर रख के देखा तो मुझे बेटर स्कोर्स देखने को मिले, बेटर चीज़ें देखने को मिली, तो मैंने सोचा गेमिंग के अंदर ही इसको टेस्ट करेंगे आगे। तो मैंने गेमिंग के अंदर ही रखा था, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर टेस्ट करी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये भी गेमिंग में, ये भी गेमिंग में, तो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा यहाँ पर आगे चल करके क्या कुछ यहाँ पर रिजल्ट रहे हैं। तो थर्मल प्रोफाइल हमने जो है गेमिंग के साथ में टेस्ट की हुई है। इसी के साथ में डिस्प्ले की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, तो 90 Hz के ऊपर मैंने इसको चलाया, काफ़ी बढ़िया चल रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 60, 90 और 120 तक का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि डिसेंट है। कोई 30 Hz जो है और कोई भी 48 Hz इस्तेमाल नहीं करता होगा जहाँ तक मुझे पता है, या तो 60 या तो फिर 90 की तरफ जाते हैं या तो फिर 120 की तरफ ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग चलते हैं, तो फिंगरप्रिंट की यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी डिसेंट है, थोड़ा सा और फास्ट किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना एक क्लिक के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ऐप लॉक क्या है इसमें, ऐप लॉकर भी है, ठीक है, तो काफ़ी ठीक ठाक है, डिसेंट रोम है। सारे मेजरली जितने भी हम लोग जो है अच्छे जैसे फीचर्स होते हैं उनको जो हम यूज़ करते हैं वो सारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर लाइट हाउस सप्लाईज, ओके। सो यहाँ पर भी आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है और काफ़ी डिसेंट सी सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है जो भी हमको मेजरली चाहिए होती है। लाइक यहाँ पर ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, 4G साइन, वोल्टी साइन वगैरह बंद करने का ऑप्शन हो गया, यहाँ पर QoS पैनल को हल्का फुल्का एडिट करने का ऑप्शन हो गया, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं दे रखा जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी बात। उसी के साथ में आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पावर बटन को आप एज अ टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, जब स्क्रीन ऑफ होती है उस टाइम पर पावर बटन को एज ए टॉर्च ऑन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमारा लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है, मीडिया कवर
मैप तो इस्तेमाल नहीं करता वैसे, ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है फिंगरप्रिंट वगैरह का सिस्टम सारा, वाइब्रेशन वगैरह चाहिए या नहीं, है ना, वो काफ़ी ठीक ठाक डिसेंट सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें चाहिए होती है। उसके बाद कहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में साउंड चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, जो भी है सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। मिसलिनियस यहाँ पर आता है गेम मोड, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेंगे गेम मोड में, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसी के अलावा बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फीचर, पर्सनली मुझे पसंद है, मैं इसके लिए जिस रोम में ये नहीं होता है उसके लिए मुझे अलग से नाइट करके एक आता है क्या ऐप है उसका नाम, नाइट मोड करके एक शायद उस ऐप का नाम है, तो वो मुझे यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं तो स्मार्ट पिक्सल बेसिकली ब्राइटनेस को एक तरीके से आईपीएस डिस्प्ले के अंदर हम बात करें, एमुलेट के अंदर तो खैर वो इस पिक्सल्स को ऑफ कर देता है, यहाँ पर तो है आप एज ए जो डार्कनेस वाला जो लेवल होता है उसको कर सकते हैं कम, ताकि रात को आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में, आई में स्टेन ना हो, तो कम करने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा रह जाती है कई बार ब्राइटनेस और हमको चुपती है, तो उसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई साहब, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सो इसके अलावा शो ऐप वॉल्यूम करके भी एक ऑप्शन है, ये आप चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक सा है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की गई। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके ऊपर भी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम बेसिकली नहीं लगाया गया है, काफ़ी अच्छा है। मेरे को इसी तरीके की डिसेंट रोम जो है वो पसंद आती है, प्लस परफॉर्मेंस तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। परफॉर्मेंस वाइज मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, आप डिसेंट सी रोम बनाओ, मैं अगर परफॉर्मेंस अच्छी मिलने लगे ना तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई कि मैं कुछ और यहाँ पर इंस्टॉल, मतलब कुछ और यहाँ पर डालूँ। जैसे ही आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर कोई कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं करता, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक वन प्लस वाला वो लगा लेंगे, रिसेंट लॉन्चर वाला जो होता है ना, एक वो लगा लोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा सा यहाँ पर शेडी लॉन्चर लगा सकते हो आप लोग। बाय डिफ़ॉल्ट तो इसके अंदर शायद हमको नॉर्मल वाला लॉन्चर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर लॉन्चर 3 करके शायद नाम उसका है, तो वो देखने को यहाँ पर मिलता है। नोटिफिकेशन डॉट हो जाते हैं यहाँ पर, और डेवलपर ऑप्शन वगैरह के अंदर भी कुछ ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं जो कि ठीक ठाक है, डिसेंट सा है। उसके बाद इसके अंदर सूडो देखने को मिल जाती है, गेम ये मैंने डाली है क्या, ये इसके अंदर पहले से इंस्टॉल थी पता नहीं यार मुझे, आई डोंट नो। इसके साथ यहाँ पर आपको वेंस्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, यूट्यूब ये तो आप एक्सटर्नली डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी इनबिल्ट डाल के लिया गया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर। तो सूडो को भी देख लेते हैं, तो सूडो यहाँ पर शायद मैंने गलती से इंस्टॉल कर लिया था, ये कुछ जो दोस्तों यहाँ पर इसका रिजल्ट है अभी तक। उसके बाद कैमरा को देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कैमरा को है, तो काफ़ी डिसेंट सा कैमरा है, जी कैम भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसकी जगह। इसके अलावा दोस्तों हम लोग सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट की बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर मुझे देखने को मिला है यहाँ पर, जब मैक्स आउट गया था। लेट मी शो यू, मैं चलता हूँ गूगल फोटोज़ के अंदर, यहाँ पर चलते हैं लाइब्रेरी में, और यहाँ पर मैं चलता हूँ स्क्रीनशॉट में, तो स्क्रीनशॉट के अंदर हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जो स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया देखने को हमको मिल जाता है। यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है वो 1918686 देखने को मिला है GIPS, और 211 तक मैक्स गया है, और काफ़ी सारी रोम में तो इतना जाता भी नहीं है बेसिकली, ठीक है यहाँ पर गया है वही बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर जो है थ्रॉटल सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो 9-10%, मतलब 9% का थ्रॉटल आपको देखने मिलता है, जबकि आप लोग देखोगे ना तो आपको कोई मेजर ड्रॉप नहीं दिखेगा। सबसे बेस्ट मैं अगर कहूँगा ना, देखो जैसे जैसे सीपीयू गर्म होगा उसके साथ में नीचे नीचे आपको पता है कि हल्का ड्रॉप तो देखने को मिलेगा, लेकिन जब एक मेजर ड्रॉप देखने को मिलता है ना, मेजर ड्रॉप बहुत मतलब तगड़ा आपको देखने को मिलता है, एक तरफ से नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, सांप देखा है ना आपने, कुछ उस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। ये मैंने गेम मोड पे टेस्ट किया था थर्मल को गेम में लगा करके, ठीक है तो ये आप लोग देख सकते हो, और सीपीयू टेम्परेचर भी मैनेज कर लिया था काफ़ी अच्छे से इसने, 91%, ठीक है भाई बढ़िया है, अगर इस तरीके का स्कोर है तो काफ़ी बढ़िया, मतलब आप देख सकते हो ना लाइन सीधी है, बहुत जिगजैग नहीं है उसमें, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। जिगजैग से मेरा मतलब वही है सांप, ठीक है तो ये आप लोग देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी मिले, मतलब बहुत ही एक कह सकते हो ना थोड़ी कम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो 60 FPS काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है, 90 FPS में भी आपको ये 70-75 के आसपास दे देता है स्कोर मेरे का, मतलब FPS गेम के तरफ अगर हम बैटल ग्राउंड की बात करें। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके गिग बेंच स्कोर्स की, तो अगर हम पिछली वाली रोम से यानी कौन सी इंस्टॉल की थी मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है आप लोगों को पता होगा, तो पिछली वाली रोम के कुछ रिजल्ट ये हैं, और उसके बाद हमने ऊपर वाला अब देख सकते हो, पिछले वाले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हमें देखने को, इलाइट का है यहाँ,
जिसको हम डेडिकेटेड गेम रोम कहते हैं, इलाइट का रिजल्ट है ये दोस्तों। तो इलाइट प्लस थर्मल के साथ में जो उनके पेड हैं उसके हिसाब से काफ़ी बेटर स्कोर आपको देखने को मिलता है। इवन पछाड़ दिया है इसने यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं इसको, गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर नोट 20 अल्ट्रा, तो यहाँ पर इसको पछाड़ के आगे निकल के 2750। और उसी के बाद यहाँ पर सिंगल कोर के अंदर भी ये काफ़ी इजीली इसको बीट कर देता है। तो जैसे कि आप लोग 798 है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी पीछे रह जाता है। तो काफ़ी पीछे भी नहीं है, मतलब फ़र्क तो है ना भाई। हाँ जब हम 10% का भी, 1% 2% का फ़र्क, तो फ़र्क ही होता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है दोस्तों, ये हमें काफ़ी बढ़िया चीज़ इसके अंदर देखने को मिली है। और मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए काफ़ी बेटर एक रोम रहेगी। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो काफ़ी इजीली प्रोसेस है यहाँ पर। आपको बस यहाँ पर बस MIUI 12.5.2 को आपको फ्लैश करना है, और उसके बाद फर्मवेयर की अगर हम बात करें, और उसके बाद आप डायरेक्टली इसको फ्लैश करके वाइप कर सकते हैं डेटा को, और दैट्स इट। जी एप्स और वनीला दोनों ही बिल्ड इसके अंदर शायद हमको देखने को मिलते हैं। नहीं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट आपको जाना है और फ्लैश कर लीजिए। काफ़ी बढ़िया रोम है। टच इश्यूज़ भी शुरू में मुझे लगे थे कि हैं, बट आफ्टर थोड़ा टाइम खेलने के बाद, यानी कम से कम 6-7 घंटे मैं इसमें खेल चुका हूँ अब तक, 2 दिन से हम बात करें तो काफ़ी डिसेंट स्कोर है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।